मास्टर जी, मास्टर जी, लगता है कहीं चले गए। टाइट हो रही है। सुहान क्या कर रहा है? सुहान सुन, मैं तुझसे बात कर रहा हूं। सुन, क्या हुआ तुझे? सोहन, तू ऐसे क्यों दिख रहा है? सोहन, 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 क्या हुआ तुझे? सोहन, ये लोग कौन है? उदिता? Yes, ma'am. तुम्हें पूरा यकीन है ना कि वो दुकान यही गई है? हाँ मैम, वो दुकान यहीं पर ही है और सुना है कि रात को 1 बजे ही खुलती है। रात के 1 बजे? Yeah. ये भी कोई टाइम है दुकान खोलने का? I know. Anyways, मुझे उससे क्या मतलब? मुझे तो ऐसा कपड़ा चाहिए जिसे देखकर मैं मशहूर हो जाऊं और दुनिया की सबसे अच्छी फैशन डिजाइनर बन जाऊं। एब्सोल्युटली मैम, ऐसा ही होगा और ऐसा कपड़ा आपको बोलंकी क्लॉथ हाउस में ही मिलेगा। हम सही जगह आए हैं। पर ये बोलंकी क्लॉथ हाउस है कहाँ? मैम, एड्रेस तो यहीं का ही दिया था। आई थिंक थोड़ा अंधेरा है ना, तो ढूंढना पड़ेगा। चलो। काफी सुनसान जगह है ना मैम? वो देखो, रोशनी दिखाई दे रहा है। या कहीं या मैं भी वही बोलने वाली थी, कहीं यही तो नहीं बोलन की क्लॉथ हाउस? चलो देखते। क्लॉथ शॉप, यस, यही दुकान है। यस, कम वाव, कितना अच्छा कपड़ा है।
कई महीनों बाद इतने अच्छे कपड़े देख रही हूँ मैं। अरे भैया यहाँ पे कोई है? मैम मैम मुझे तो यहाँ पे बहुत डर लग रहा है, कितना अंधेरा है यहाँ पे और दुकानदार भी नहीं है। मैम चले। डरो मत उदिता, दुकानदार ये कहीं होगा, अभी आ जाएगा। उदी शो मी दैट वन, दैट वाइट वन। हाँ ओके। कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम? मेरी दुकान में आए हो और मुझे से पूछ रहे हो कि मैं हूं कौन? हम लोग यहाँ पे कपड़े खरीदने आए हैं। या तो कोई कपड़ा पसंद आया? मुझे अच्छी चीजों का नहीं, नयाब चीजों का शौक है। आई वॉन्ट द बेस्ट। मुझे आपकी दुकान के सबसे कीमती और बेहतरीन कपड़ा दिखाइए। मैम ये आपस में पता नहीं क्या पड़ा रहा है। अच्छा कपड़ा खरीदने का शौक है तो रुको, मैं भी दिखाता हूं तुम्हें। आओ आपके पास लाल रंग में कुछ है? फूल है। मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे ऐसे बेहुदा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। जल्दी से दिखाइए, मेरे पास उतना टाइम नहीं है। लो। मैम आप वाकई एक जौहरी हैं जो कोयले की खान से हीरा निकालने की नजर रखती हैं। मैम तो वाकई जौहरी हैं। शो स्टॉपर ड्रेस बनेगी इस कपड़े से। ये कपड़ा तुम्हें कहां से मिला? क्यों रोशन जी, है ना बिल्कुल बेमिसाल। एंड मोनिका यू वर राइट, अलीशा मैडम हीरा ढूंढ के लाई है कोयले की खान से। नहीं नहीं ये कपड़ा यहां से ले जाओ, इसे वहीं छोड़ाओ जहां से सिलाई हो। क्यों रोशन जी,
आपको ये कपड़ा अच्छा नहीं लगा क्या? ज्यादा सवाल मत करो, मैंने कहा ना इस कपड़े को वहीं छोड़ा हूँ। मैं इस कपड़े पर कोई काम नहीं करूँगा, मैं इस कपड़े को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। ठीक है, आप मत कीजिए, उदिता बना लेगी ड्रेस। अब मैम मैं? हाँ तुम। मोनिका, शोस्टॉपर ड्रेस के डिजाइन लेके आ जाओ। यस मैम। मनीषा, ये तुम अच्छा नहीं कर रही। ड्रेस आज रात तक रेडी हो जाना चाहिए, गॉट इट? श्योर मैम। बहुत पछताओगी तुम। बस अब और कुछ मत कहना, मैं आपकी उम्र का लिहाज करती हूँ, प्लीज। मैम स्केचेस। तुमने ये कपड़ा यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती की है, सब पछताएंगे, सब पछताएंगे। तुम्हारी इस गलती की सजा सबको भुगतनी पड़ेगी। सुहान। हाँ? सुहान जल्दी करो यार, रात का 1 बज रहा है। बस 2 मिनट यार, आखिरी बार सारे कपड़े चेक कर लूं। 10 बार तो कर चुके और कितनी बार करोगे? तुम्हें पता है ना यार, अगर जरा से भी गलती होगी तो अलीशा मैम इन कपड़ों की जगह मुझे लटका देंगे हैंगर पर। वो तो है। ये भी ना। हो गया, चलें? या। 2 मिनट, लाइट्स बंद करके आता हूँ। वेट। हाँ ओके। तुम ठीक तो हो ना मोनिका? मोनिका, ये ड्रेस मुझे काट रहा है। क्या ड्रेस काट रही है? कैसे? क्या सांस ले रही है? क्या मोनिका, क्या सांस लेने में? ये ड्रेस क्या? राघव प्लीज, मुझे नहीं आना, मुझे हर्ष के लिए कोई गिफ्ट नहीं खरीदना, प्लीज राघव मैं जा रही हूँ। यामिनी देख, प्यार व्यार के मामले में मेरा एक्सपीरियंस तेरे से काफी ज्यादा है, am I right? तो अपने गुरुजी की बात मानो और शांति से अंदर चलो। चल राघव प्लीज, मेरी बात समझने की कोशिश करो, गिफ्ट खरीदने से क्या होने वाला है? हर्ष मुझसे प्यार करने लगेगा क्या? वो तो पता नहीं, पर एटलीस्ट वो बुद्धू के दिमाग में ये तो आएगा कि तुम उससे कितना प्यार करती हो, am I right? ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा। देखो
सच सच बताओ कि ये किसने किया? उदिता, मैंने तुम्हें जिम्मेदारी दी थी ना? मैम, मैं तो कल रात को 10 बजे ये ड्रेस मैनिक्विन पे डालकर घर चली गई थी। तो फिर ये किसने किया? मैम, मैम, मोनिका और सुहान घर पर भी नहीं है। उनके घर वालों ने कहा कि वो कल रात से वापस नहीं है। ये ड्रेस खा गई उन दोनों को, वो कभी वापस नहीं आएंगे। क्या क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा था ना तुमसे, ये कपड़ा वापस ले जाओ, लेकिन तुम नहीं मानी। अब भुगत तो अंजाम। मैम, शायद रोशन जी ठीक कह रहे हैं, क्योंकि इस ड्रेस को बनाते वक्त मुझे भी बहुत अजीब सा लगा ये कपड़ा। अजीब लगा? What do you mean by अजीब सा? तुम सबका दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना? सबके सब लगे हुए हो मेरे शो के धज्जियां उड़ाने के लिए। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ अपने अपने काम करो। विक, पता नहीं मैडम को क्या हो गया, पागल सी हो गई इस कपड़े के पीछे। मुझे भी रोशन जी की बात ठीक लग रही, कुछ कपड़े में ही गड़बड़ है। हाँ, रागी नाम है मेरा, समझे? हाँ रागी, प्लीज 2 मिनट सीधी खड़ी रहो। मार्केट में मेरी भी तो कोई रेपुटेशन है, मैं ऐसे कोई भी शोज नहीं कर सकती। हाँ, और प्लीज नेक्स्ट टाइम ऐसे शोज मेरे लिए लेकर मत आना। थैंक्स। क्या हुआ? ये ड्रेस कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे, मुझे बहुत घुटन सी हो रही है इस ड्रेस में। व्हाट्स रॉन्ग, इतनी टाइट क्यों है ये ड्रेस? रागी, कहाँ टाइट है, एकदम प्रॉपर तो है। ड्रेस तुमने पहनी है? मैंने। उदिता, वो जो डुप्लीकेट ड्रेस है ना, उसको लेके आ जाओ। प्लीज जल्दी। आउच! वो रागी, क्या प्रॉब्लम है? अलीशा, मुझे कुछ घुटन सी महसूस हो रही है इसमें। देखो प्लीज, अभी एंड मोमेंट पे नखरे मत करो, शो का टाइम हो रहा है। रागी, तुम्हें 2 मिनट में स्टेज पर आना है। नहीं, मुझे नहीं होगा। मेरे शो का सत्यानाश मत करो, चलो। Got it. Oh my God! ये duplicate dress को क्या हो गया? ये फट कैसे गई? अनबिलीवेबल, इतनी भीड़ में अलीशा को कैसे ढूंढेंगे? यामिनी, ये वही लड़की ना जो हमें उस दिन अलीशा की दुकान में मिली थी? हाँ, उदिता। प्लीज। हाय उदिता। हाय, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली हम अलीशा से मिलने आए हैं। अब रियली सॉरी, वो भी तुम लोगों से नहीं मिल सकती, आई हैव टू रश। बाय। राघव, हर्ष, वो देखो, वही वाली ड्रेस। अरे हाँ, ये तो वही ड्रेस है। वही वाली ड्रेस? कहीं ये ड्रेस इसे ना नुकसान पहुंचा दे। चलो। पता नहीं ये सब कैसे हो गया, अलीशा मैडम देखेंगी तो उन्हें हार्ट अटैक ही आ जाएगा। फटाफट करना पड़ेगा।
अरे ये लाइट भी ना, अरे कोई आओ। उदिता तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, लाइट भी आ गई। अच्छा वो रागी का रैंप खत्म हुआ क्या? अब आ रही हैं इस बेहतरीन शो की बेहतरीन डिजाइनर अलीशा अपनी शो स्टॉपर रागी के साथ। सो प्लीज वेलकम अलीशा। कुछ भी गड़बड़ मत करना, वार्निंग है। अलीशा कुछ हो रहा है? अलीशा कुछ नहीं हो रहा है, चलो। Alisha, you're hurting me. Alisha, oh. Ouch! Ragi, Ragi, rok jao. Ragi, Ragi, listen to me. Ouch! Ragi, Ragi, तुम मेरे शो को इस तरह बीच में छोड़ के नहीं जा सकती हो. Ragi. छोड़ दे. तुम्हें छोड़ कैसे तुम्हें? Ragi. हमें तुम्हारी जरूरत है। आओ, आओ हमारे पास। आओ। यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो उदिता की चीखने की आवाज आ रही थी अंदर से। अचानक गायब कहाँ हो गई? पर इस कमरे में तो रुई मैडम भी आई थी कपड़े बदलने। अगर रुई और उदिता दोनों यहाँ पर थे तो फिर अचानक दोनों के दोनों यहाँ से गायब कैसे हो गए? पता नहीं, कोई दरवाजा भी नहीं बाहर जाने का। मैंने कहा था अलीशा से, उसने ही कपड़ा लाकर अच्छा नहीं किया, लेकिन वो मेरी सुनती कहाँ है? अब सबको अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये कपड़ा सबको मार डालेगा, सबको निकल जाएगा, सबको। क्या बात है, कुछ गड़बड़ है क्या? हा? मैं पूछ रहा हूँ, कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब हमारा अंदाजा ठीक निकला। इस सब के पीछे इस मनुष्य कपड़े का ही हाथ है। वाह,
मुलायम कपड़ा मैंने आज तक नहीं देखा। पता नहीं ये कपड़ा किस चीज से बना है, चमड़ा और रेशम भी इतना मुलायम नहीं होता। मेरा एक दोस्त है मृणाल, टेक्सटाइल इंजीनियर, आई एम श्योर वो हमें बता सकता है कि ये किस चीज से बना हुआ है। राघव, हमने तुम्हारे दोस्त मृणाल को उस कपड़े का टुकड़ा तो दे दिया है, लेकिन मुझे बहुत फिक्र हो रही है अगर उसे कुछ हो गया तो। अब तो मुझे भी डर लगने लगा यार, अब तक तो उसको फोन आ जाना चाहिए था। लगता है उसी का फोन। हेलो मृणाल। तृप्ति भाभी क्या? लेकिन कैसे? वो ठीक तो है ना? ओके क्या हो रहा है? तृप्ति भाभी का फोन था, मृणाल की वाइफ। क्या कहा उसने? उसने कहा कि मृणाल मृणाल पागल हो गया। वो कह रही थी कि उस कपड़े को देख के वो अचानक चिल्लाने लगता है। चिल्लाने लगता है? क्या वो पता कर पाया कि वो कपड़ा किस चीज से बना है? उसने बताया कि वो कपड़ा इंसान की मांस और उसके खाल से बनाया गया है। क्या? इंसानी मांस और खाल से बना हुआ कपड़ा? मुझे तो लगता है कि ये उन्हीं लोगों की आत्मा है जिनके शरीर से ये कपड़ा बनाया गया है। और जो भी उस कपड़े को पहनता है वो आत्माएं उसे खा जाती हैं। यामिनी, यामिनी कहाँ चली? यामिनी, यामिनी, ये कपड़े यामिनी, यामिनी इन कपड़ों को उतारो, उतारो ये कपड़े यामिनी, यामिनी मेरी तरफ देखो, ये क्या हो गया तुम्हें? हर्ष, हर्ष मुझे लगता है कि इसमें भी वही सारी आत्माएं घुस गई है। नहीं उतारेगी, ये कपड़े नहीं उतारेगी, हमें इसकी जरूरत है और तुम दोनों की भी। ये यामिनी, यामिनी होश में हो यामिनी, ये राघव, यामिनी, यामिनी तुम ठीक तो हो ना? यामिनी, यामिनी ये क्या हो गया तुम्हें? यामिनी तुम होश में तो हो? यामिनी, राघव इसके कपड़े, यामिनी, यामिनी छोड़ उसे, यामिनी छोड़, यामिनी, यामिनी छोड़, यामिनी यामिनी, 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 उठो, उठो। ये मुझे क्या हुआ था? क्या हो गया था? हर्ष को ऊपर पहुंचाने का पूरा इंतजाम कर दिया था तूने, जान लेने वाली थी तू उसकी। हर्ष की जान? तू क्या कह रहा है राघव?
मैं हर्ष को एक खरोच तक नहीं पहुंचा सकती। मैं ठीक हूँ यामिनी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और तुमने जो कुछ भी किया इस कपड़े की वजह से किया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, जाने मैंने कब ये ड्रेस पहन ली। फिर मैं गली में चलने लगी, जहाँ पे पूरा अंधेरा था और वहां पर एक कारखाना था जहाँ पे बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे। तुम जरूर उसी जगह पे पहुंच गई थी जहाँ पे लोगों को मारा जाता है ये अनमोल कपड़ा बनाने के लिए। हमें रोशन जी से जाकर मिलना चाहिए, जरूर वो कुछ ना कुछ उस कपड़े के बारे में जानते हैं, तभी तो उन्होंने अलीशा को आगाह किया था। यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। कोई है? कोई है यहाँ पर? मुझे तो लगता है कि ऑफिस बंद है। पर दरवाजा तो खुला हुआ है। चलो बाहर जाके किसी से पूछते हैं। तुम लोग यहाँ क्या चाहिए? एक्चुअली वो हम अलीशा यहाँ नहीं है, तुम लोग जाओ कल आना। दरअसल हम अलीशा से नहीं आपसे मिलने आए हैं। मुझसे? लेकिन क्यों? क्योंकि सिर्फ आप ही हैं जो उस कपड़े के बारे में कुछ जानते हैं। नहीं नहीं, अरे तुम लोग जाओ यहाँ से, मुझे किसी कपड़े के बारे में कोई बात नहीं करनी। अलीशा आज नहीं मिलेगी, जाओ यहाँ से, कहा ना जाओ यहाँ से। देखिए साहब, अगर आप इसी तरह चुप्पी साधे रहे ना तो न जाने वो कपड़ा और कितने लोगों की जान निकल लेगा। देखो तुम इस बीच में टांग नाड़ा हो तो अच्छा है, वरना तुम सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। हाँ, खतरों से खेलना हमारा काम है। क्या ये देखिए, मैंने गलती से ये ड्रेस पहन ली और इन दोनों की जान लेते लेते रह गई। लेकिन ये ड्रेस तुम्हारे पास आई कहां से? ये ड्रेस हमारे पास कहां से आई है आप भूल जाइए, लेकिन हमें ये पता चल चुका है कि ये ड्रेस किस चीज से बनी है। ये लोगों की खाल और उनके मांस से बनी है। अब आप ही बताइए, इस ड्रेस के पीछे छुपे हुए राज के बारे में आप हमें बताएंगे या नहीं? मैं दरअसल बिल्कुल नहीं जानता कि ये कपड़ा कब और कैसे बना, लेकिन हाँ, पहली बार ही मैं इस खूनी कपड़े को मैं पहचान गया था जब अलीशा इसको लेकर मेरी दुकान में आई थी। मतलब आप इस ड्रेस के बारे में पहले से ही जानते हैं? हाँ, मैं उसी दुकान में काम करता था जहां से अलीशा ने ये कपड़ा चुराया था। कहाँ है वो दुकान? माबी बाजार, बोलम की क्लोथ हाउस। चलो उस दुकान पर चलते हैं, शायद वहीं से हमें पता चल जाएगा कि उस कपड़े का जन्म कैसे हुआ है और अब उसका अंत कैसे होगा। चलो। कहीं अलीशा ये ड्रेस ना पहन ले, नहीं तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। मुझे कुछ भी करके
ये ड्रेस नष्ट करनी चाहिए। आ रही हूं। आ रही हूं बाबा, थोड़ा सब्र करो। अलीशा कहाँ है? अलीशा? हाँ? मैम साहब तो सो रही है। अब तक सो रही है, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक नहीं है, पता नहीं क्या हुआ है, अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है। क्या अजीब अजीब सी हरकतें? मतलब पता नहीं किन लोगों से बातें करती रहती है, मुझे तो कोई दिखता नहीं है। अचानक से चीखने चिल्लाने लगती है तो कभी अपने कान बंद कर लेती है और कहती है ये मशीन बंद करो। पर यहाँ कोई मशीन होगी तो मैं बंद करूंगी ना। वही हुआ जिसका मुझे डर था। पलाश की भी ऐसी ही हालत हो गई थी। पलाश? पलाश कौन सा? कुछ नहीं, मुझे वो ड्रेस ढूंढनी है। तुम एक काम करो, तुम एक लकड़ी में आग लगा कर लेकर जाओ। वो ड्रेस यहीं कहीं होनी चाहिए। अनीशा, तुमने ये क्या किया? ये ड्रेस क्यों पहनी? ये ड्रेस नहीं, कफन है। ठीक कहा तुमने। और इस कफन में अनीशा के साथ साथ तू भी मौत के अंधेरे में चला जाएगा। तू भी जाएगा। मैडम, ये आपको क्या हो गया? जल्दी से आग लगा दो इस ड्रेस को। क्या मैडम जी, कुछ ना तू जल्दी करो। अब पागल तो नहीं हो गए? जल्दी आग लगा दो इस ड्रेस को, नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। जल्दी करो। शायद यही वो जगह है, बोलन की क्लॉथ हाउस। पर ऐसा लगता है जैसे सालों से कोई आया ही नहीं है यहाँ। चलो अंदर चलकर देखते हैं। कोई है? ए भाई, लगता है कोई नहीं। कोई नहीं, अच्छी बात है, चलो चलते हैं। वैसे भी यह जगह बहुत अजीब है, चलो। ए फट्टू, चल। क्या हुआ, चलना।
ये दुकान है कि खंडर? ठीक कहा आपने। ये दुकान खंडर ही है। आप लोग कौन हैं? हम इस दुकान के मालिक से मिलना चाहते हैं। और आप? मेरा नाम मिक्की है। ये दुकान मेरे अंकल पलाश की है। वो कहीं बाहर गए हुए हैं तो ये दुकान मैं संभाल रहा हूं। तो क्या आप इस कपड़े को पहचानते? बंद कर दीजिए इस कपड़े को, बंद कर दीजिए। ये कपड़ा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, उन्हें पागल बना देता है। पागल कर देता है? हाँ, मेरे अंकल भी पागल हो गए थे। कुछ साल पहले जब ये कपड़ा हमारी दुकान में आया तो वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगे और जोर जोर से चिल्लाने लगे और कहने लगे कि कोई कारखाना नजर आता है जहां पे लोगों को मारा जा रहा है। क्या आपके अंकल को भी दिखी थी वो जगह? मतलब आपको भी? यामिनी, ठीक से याद करो, क्या देखा था तुमने उस दिन जब तुमने कपड़ा पहना था? रात का वक्त है, कई दर्जी दुकानों के बाहर बैठे हुए, एक दुकान के अंदर लोगों को चीखने चलाने की आवाजें आ रही। ये क्या? गली के आखिर में एक मील का पत्थर है, मील 50 किलोमीटर, बस यही याद है। काफी है। मुझे तो लगता है ये कोई जगह का ही नाम है जो यहां से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। ये तो मिलूर है। मिलूर? ये तो शहर के पास एक कस्बा है। क्या हुआ यामिनी? ये जगह बिल्कुल वैसी ही है जो मुझे ये ड्रेस पहनने के बाद दिखाई दी थी। फिर तो वो कारखाना भी यहीं कहीं होगा जहां पर लोगों को मारा जा रहा है। चलो उन लोगों से पूछते हैं। सरा सुनिए। जी कहिए। आप लोग कपड़ों पे कारीगरी करते हैं ना? हाँ, कपड़े साथ लाएं? जी। हाथ मत लगाइए, सिर्फ इतना बताइए कि आप इस कपड़े को पहचानते हैं या नहीं। चलिए जी यहां से, हम इस कपड़े के बारे में कुछ नहीं जानते। क्या आपको कुछ पता है इस कपड़े के बारे में? नहीं, मैं नहीं जानता कुछ भी इस कपड़े के बारे में। चलो। उस कपड़े के बारे में तुम ही जानना चाहते हो ना कि किसने बनाया है वो कपड़ा? हाँ, बिल्कुल इस तरह का और कपड़ा चाहिए हमें। ये कपड़ा हमें बहुत पसंद आया, बिल्कुल लाजवाब। मिलेगा, जरूर मिलेगा, आओ मेरे साथ। Thank you.
तुम लोग यहाँ रुको, मैं अपने अंकल को बुला के लाता हूँ जिनका ये कारखाना है। नमस्ते। नमस्ते। मेरा ही नाम दोहन है, कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ मैं? दरअसल हम उस आदमी से मिलना चाहते हैं जिसने ये कपड़ा बनाया है। नहीं नहीं, वहीं रुक जाओ, वो कपड़ा लेके मेरे पास मत आना। क्यों, क्या हुआ? आप इस कपड़े को देख के इतना डर क्यों गए? नहीं, मैं डर कह रहा हूँ। नहीं नहीं तो नहीं। आओ मेरे साथ, मैं मिलवाता हूं तुम्हें इस कपड़े को बनाने वाले से। रुक जाओ, इसके साथ मत जाना प्लीज। अलीशा तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब इसी की वजह से हो रहा है, सब इसकी वजह से। वो ड्रेस पहनने के बाद मुझे भी यही आदमी दिखाई दिया और उन सब मासूम लोगों की चीखें सुनाई दी जिन्हें इसने मारा था। बहुत खुश नसीब हो तुम लोग कि तुम्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन कपड़ा पहनने का मौका मिला। खुशनसीब या बदनसीब, इस ड्रेस को पहनने के बाद लोग पागल हो जाते हैं, मारने लगते हैं एक दूसरे को, और आप कह रहे हैं खुशनसीब? हाँ, खुशकिस्मत, खुशकिस्मत ही होता है वो जो इस कपड़े को चुनता है। जानना चाहते हो इस बेशकीमती कपड़े को बनाने में कितनी मेहनत लगती है? यामिनी! इतनी मेहनत लगती है। आगे नहीं बढ़ना। छोड़ो उसे, मैं कह रहा हूं छोड़ दो उसे। छोड़ दो यामिनी को, मैं कहता हूं छोड़ दो यामिनी को। इसे हाथ मत लगाना। होशियारी नहीं। यामिनी को लेके गया, अब क्या करेंगे? कहीं वो यामिनी को मारना थे। कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा यहां से बाहर निकलने का। ये वही जगह है ना जहाँ पे तुम लोगों को बेरहमी से मारते हो। हाँ, और अब तेरा भी वही हाल होगा जो बकरे का होता है कसाई की दुकान में। कपड़ा कपड़ा नहीं बनता जब तक उसे इंसान की खाल से ना बनाया जाए। कितनी बड़ाई होती है ना इंसान की खाल, और इसी से तो बनता है लायम लायम कपड़ा। कैसे वो कपड़ा लेके मेरे पास मत आना। नहीं,
चल गया कपड़ा, खत्म हो गया सब कुछ। तुम ठीक तो हो ना? हाँ यमिनी, मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना? हाँ। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा, पर तुम मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे थे? तुम मेरी दोस्त हो ना, और फिर तुम्हें नहीं दुखा था कि तुम मुझे मरता हुआ नहीं देख सकती। दोस्त हूं ना इसलिए। न जाने ये कैसा जानलेवा नशा सवार था इसके सर पे, दुनिया का सबसे बेहतरीन कपड़ा बनाने का। आहट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।